नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार जी न्यूज नप गया, जी न्यूज के ऊपर कार्रवाई हो गई है और जी न्यूज को मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का एक माहौल तैयार करना भारी पड़ गया। जी न्यूज के खिलाफ अब अल्टीमेट दे दिया गया है 24 घंटे का। 24 घंटे के अंदर अंदर जी न्यूज को जवाब देना है। अगर जी न्यूज कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया तो जी न्यूज के ऊपर बड़ी कार्रवाई होना तय है। ये जी न्यूज इस बार पूरी तरह से नप गया। दरअसल हमने आपको कल एक खबर दिखाई थी और जी न्यूज ने कल एक प्रोग्राम चलाया। वो प्रोग्राम क्या था? प्रोग्राम ये था कि किस तरह से कुदरत है बहाना लेकिन मुस्लिम आबादी को है बढ़ाना। ये जी न्यूज की तरफ से ताल ठोक के ये एक प्रोग्राम चला था। ये खबर हमने आपको कल दिखाई थी, लेकिन अब इस खबर को लेकर के हमने भी इस पर सवाल उठाया था, आपत्ति उठाई थी कि ये खबर गलत है, ये खबर नहीं होनी चाहिए। और इसी खबर पर अब आपत्ति उठी है। और आपत्ति किसने उठाई है? आपत्ति उठाई है साकेत गोखले ने। साकेत गोखले एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर नोटिस भेज करके जवाब मांगा है। और सीधे सीधे भारत सरकार, वो भारत सरकार या मोदी सरकार कहें, रविशंकर प्रसाद जो कि कानून मंत्री कहें, वो सुधीर चौधरी के दोस्ताना जिनसे संबंध है, उन्हीं के रूल अब सुधीर चौधरी के ऊपर भारी पड़ेंगे। किस तरह से साकेत गोखले ने सुई के कांटे से कांटा निकालने का काम किया है, यानी वो रूल जो कि रविशंकर प्रसाद के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हीं रूल का, उन्हीं आदेशों का हवाला देते हुए अब जी न्यूज पर कार्रवाई करने की बात कही गई। और केवल 24 घंटे का समय दिया गया है। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई जी न्यूज की तरफ से इसके ऊपर ठोस जवाब नहीं आ पाया, जिससे वो संतुष्ट नहीं हो पाए, या कोई कानून, कोई नियम वो उन पर सही खड़े नहीं उतरे, तो जी न्यूज के ऊपर कार्रवाई होगी। ये आप देखिए, साकेत गोखले ने ये लेटर जारी किया है। और ये लेटर जारी करके ये कहा है, ये लेटर उन्होंने भेजा है मयंक अग्रवाल को। ये जी मीडिया के कॉरपोरेट लिमिटेड ये गवर्नेंस ऑफिसर हैं, और इनको ये लेटर भेजा है। और लेटर भेज करके कहा है कि हमें आपके इस कंटेंट पर आपत्ति है। कंटेंट क्या था? कुदरत है बहाना, मुस्लिम आबादी को बढ़ाना, #populationpolitics पर ट्वीट कीजिए। देखिए ताल टोक के 4:55 पर जी न्यूज अदिति त्यागी के साथ में। तो ये जो है ये प्रोग्राम था, और इस प्रोग्राम के ऊपर आपत्ति दर्ज की गई है। अब दूसरा, इसमें कौन कौन सी धाराएं लगी हैं वो भी देखना महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि ये आईपीसी की धारा 153A का उल्लंघन करता है। दूसरा, ये उल्लंघन करता है आईपीसी की सेक्शन 295A, उसका भी आपका ये जो प्रोग्राम है ये उल्लंघन करता है। इसको लेकर के जो है वो कहा गया है कि ये आईपीसी की धारा 153 और 295 इनका उल्लंघन करता है, और इसीलिए जो है वो आपका जो कंटेंट है, जो आपने खबर बनाई है, वो खबर एक लगातार जिस तरह से आप सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं उसके तहत आती है। आपकी खबर जो है वो भेदभावपूर्ण है, वो समाज के अंदर खाई पैदा करती है आपकी खबर, ये इस लेटर के अंदर कहा गया है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात आप देखिए, अंडर रूल ऑफ 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कहा गया है कि विद इन रिस्पोंड एंड एक्नोलेज द रिसिप्ट ऑफ नोटिस विद इन 24 आवर, दैट इज बाय June 29, 2021। जो जून 29 को आपको जवाब देना है 24 घंटे के अंदर अंदर। 28 जून को जो है ये नोटिस जारी हुआ है, और 24 घंटे के अंदर 29 जून तक इस पर जवाब देना है। अब सुधीर चौधरी का चैनल, जी न्यूज चैनल जो है वो इस पर पूरी तरह से फंस गया है। दरअसल क्या है कि एक माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है, और आप ये मान करके चलिए कि अगर इस नोटिस में कार्रवाई हो जाती है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि जिस तरह से एक माहौल, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव की शुरुआत भी नहीं हुई है, और उससे पहले कुछ लोग जो है वो मैदान में उतर आए, जिसमें सुधीर चौधरी का चैनल जी न्यूज भी सामने आ गया। उसने कहा कि किस तरह से मुसलमान जो है वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और वही खतरा है, उसके कार्यक्रम का लबोलवाब यही था। और अब जो है अगर इस कार्यक्रम के ऊपर रोक लग जाती है, उसके बाद में जी न्यूज के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, तो ये मान करके चलिए कि ये बहुत अच्छे संकेत होंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदू मुसलमान होगा, खुल करके हिंदू मुसलमान होगा, अब ऐसे में अगर इस नोटिस में वाकई कार्रवाई हो जाती है, वैसा होना तय भी माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है वो लेटर दिया गया है, और वो लेटर भी जो है
वो NBSA को भी जारी किया गया है कि आपके जो ये रूल रेगुलेशन है उसके मुताबिक भी जी न्यूज का जो चैनल काम कर रहा है वो खरा नहीं उतर रहा है। अगर इस पर कार्रवाई हो जाती है तो फिर जितने भी चैनल हैं वो हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाने से बचेंगे। हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाने से बचेंगे तो इसका नुकसान किसको होगा, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसका नुकसान किसको होगा और कौन सी पार्टी ऐसी है जो हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलवा करके अपना वोट बैंक मजबूत करती है, कौन सी पार्टी ऐसी है जो एक समुदाय विशेष का डर दिखा करके दूसरे समुदाय विशेष को लामबंद करती, दूसरे समुदाय विशेष से कहती है कि देखिए वो फला समुदाय वो फला हरकतें करेगा, फला बच्चे पैदा करेगा और उसके बाद में अगर आपको उससे बचना है तो हमको वोट दीजिए, इस प्रकार की राजनीति कौन करता है। तो ये सारी घटनाओं पर रोक लगेगी। और हमने जहां तक जी न्यूज की बात है, जो जी न्यूज का जो प्रोग्राम है, जी न्यूज के प्रोग्राम में क्या कहा गया था, वही कहा गया था कि मुस्लिम कुदरत है बहाना, मुस्लिम आबादी है बढ़ाना। तो ये कुदरत बहाना लगा करके जो है मुसलमान अपनी आबादी बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन आबादी में जहां तक कि वो जनसंख्या पर रोक की बात कर रहे थे, हमने आपको कल भी बताया था और एक बार फिर से बता देते हैं क्योंकि अच्छी चीजें जितनी बार बताई जाए उतनी कम है। ये आप जो है कि ग्राफिक देखिए, ये ड्रंक जर्नलिस्ट की तरफ से ग्राफिक जो है दिखाया गया है और इसमें बताया गया कि कितनी माएँ जो है वो दो से ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं। ये ग्राफिक आप देखिए, इसमें 83% महिलाएं ऐसी हैं, हिंदू महिलाएं जिनके दो से ज़्यादा बच्चे हैं। इस ग्राफ में बताया गया है कि 83% महिलाएं ऐसी हैं जिनके दो से ज़्यादा बच्चे हैं, 39.5% हिंदू OBC की महिलाएं हैं जिनके दो से ज़्यादा बच्चे हैं, 21.6% हिंदू SC की महिलाएं हैं जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं, उसके बाद 13% मुसलमान महिलाएं हैं जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं, और उसके बाद में 11.6% हिंदू UC की महिलाएं हैं और 10.2% जो है वो हिंदू ST की महिलाएं हैं और 4.1% जो है वो अन्य है। तो आप यहां पर साफ तौर पर देख सकते हैं, आंकड़े आपके सामने है कि आबादी कौन बढ़ा रहा है। और हमने कल भी कहा था कि किसी समुदाय विशेष को इस तरह से टारगेट करके, अलग से टारगेट करके दिखाना कि केवल वही जिम्मेदार है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो आपकी सोच है, आपकी जो मंशा है, आपका जो प्रोपेगेंडा है वो दिखता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब जो है लोग खुद से, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो अपनी जनसंख्या को लेकर के, अपने बच्चों के पालन पोषण को लेकर के खुद से चिंतित है। अब हिंदू भी ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहा, ना मुसलमान करना चाह रहा। अब क्या है कि हर वो व्यक्ति जो अब नई जनरेशन से इत्तफाक रखता है, जो नई जनरेशन से ताल्लुकात रखता है, वो हर व्यक्ति अब दो बच्चों पर सिमट करके रह गया है। कितने घर आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर एक ही भी बच्चा है, ये वाकई सच है। आप चारों तरफ अपने तरफ देखिए और एक देसी सर्वे कर लीजिए, हमने कल भी आपको बताया था। लेकिन लगातार एक समुदाय विशेष को टारगेट करना, ये जी न्यूज और गोदी मीडिया के कई सारे चैनलों का यही फितरत रही है, लेकिन इस फितरत पर अब की बार जो है वो इनको भारी पड़ रही है, अब की बार भारी पड़ रही है। 24 घंटे का अल्टीमेट जो है इनको मिल गया है और निश्चित तौर पर अगर इस पर कार्रवाई हो जाती है तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी जीत होने वाली है, अपने आप में बहुत बड़ी जीत होगी और उत्तर प्रदेश में अच्छे चुनाव हो सकेंगे, उत्तर प्रदेश में एक अच्छे माहौल में चुनाव हो सकेंगे, इसका भी फिर कहीं ना कहीं रास्ता खुलेगा। बहरहाल आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई जी न्यूज ने जो प्रोग्राम किया था वो ऐसा है, या आपको लग रहा है कि उसका जो कंटेंट है वो ऐसा है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, या आपको लग रहा है कि ये सब बेफिजूल है और जी न्यूज ने जो कहा था वही सच है, आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।